अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलम जो है वो कितनी फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए भी, हमारे बॉडी के लिए भी। एलम जो है हमारे स्किन पे से ओपन पोर्स भी ख़त्म करती है, एक्नी भी ख़त्म करती है, एक्नी के मार्क्स भी ख़त्म करती है, पिगमेंटेशन भी ख़त्म करती है। हम माउथ की स्मेल के लिए भी यूज़ करते हैं और अंडर आर्म्स की स्मेल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एलम जो है एक ही चीज़ है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो हमारे लिए मल्टी टास्कर है और हमारे एक सिर्फ एक चीज़ जो है हमें बहुत सारे चीज़ों के लिए हमारे हेल्पफुल है। ज़ख़म कहीं हो जाता है तो हम उस पर भी क्या नाम है एलम यूज़ कर सकते हैं। तो आज ही मैं एलम की दो चीज़ें आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो मेरी प्यारी बहनें, जो मेरी लड़कियाँ जो हैं वो स्किन पे एक्ने के लिए परेशान हैं, उनके लिए एलम का बहुत ज़बरदस्त सा एक टोनर है। और उसके अलावा जिनके फेस पे पिंपल्स हैं और हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई एक नया पिंपल निकल आता है, तो उनके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आई हूँ एलम की ही। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है कोई भी एक बोल, और यहाँ पे मैंने जो है एलम का पाउडर बना के रखा हुआ है। एलम जो हमारे पास पूरे पूरे एक स्टोन की शेप में आता है, तो उसका जो है आप पाउडर बना के रख लें, क्योंकि पाउडर बना हुआ होगा तो ये जो है वाटर में डिसॉल्व आसानी से हो जाता है, या किसी भी चीज़ में हम इसको डालते हैं तो ये डिसॉल्व आसानी से हो जाता है। तो ये मैंने एलम का पाउडर बना के रखा हुआ है। अगर आपके फेस पे पिंपल हैं और आपने नेक्स्ट डे कहीं जाना है इवेंट में, कहीं शादी में, किसी पार्टी में, और आप परेशान हैं कि हमारे फेस पे एकदम से पिंपल निकल आया है, उसको कैसे ख़त्म करें, तो जी वही रेमेडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ, आपके लिए बताने वाली हूँ कि सबसे पहले आपने लेने हैं थोड़ा सा एलम का पाउडर, और उसके बाद आपने जो है ये चुटकी भर एलम का पाउडर इस तरह से एक बर्तन में डाल लेना है। और उसके बाद हमने लेनी है थोड़ी सी ग्लिसरीन, थोड़ी सी ही ग्लिसरीन हम लेंगे इस तरह से। ये देखिए मेरे पास इसमें ग्लिसरीन है, तो ये दो तीन ड्रॉप जो है मैं ग्लिसरीन के इसमें ऐड करूँगी। ये आप देख रहे हैं, बस आपने जो है ये ग्लिसरीन में एलम मिक्स कर लेना है, और जहाँ भी आपके पिंपल हो रहा है और आप परेशान हैं, आपको जाना है शादी वादी में और आपको पिंपल जो है फौरी तौर पे ख़त्म करना है, तो इस तरह से आप ग्लिसरीन में जो है एलम मिक्स करें और जहाँ भी आपके पिंपल है इस तरह से थोड़ा सा लेके आप अपने पिंपल पे कहीं, जहाँ भी आपके पिंपल है इस तरह से सिर्फ डॉट्स पर लगाना है, पूरे फेस पर इसको रब नहीं करना। जहाँ जहाँ पिम्पल हैं उसको इस तरह से सिर्फ ग्लिसरीन में डाल के एलम को आपने पूरा डिज़ोल्व करके उन पिम्पल्स पर लगा लेना है, और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। आप देखेंगे कि सुबह उठेंगे और पिंपल जो है आपका बिल्कुल गायब होगा। जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर तो आपके पिंपल हैं तो आपने बस ये एलम के अंदर सिर्फ ग्लिसरीन मिक्स करनी है और अपने पिंपल के ऊपर डॉट्स डॉट्स करके इस तरह से लगा लेना है, तो ये जो है आपके पिंपल सिर्फ ओवरनाइट में एक ही दिन रात में ख़त्म हो जाएंगे। गारंटी है मेरी, गारंटी के साथ मैं जो भी आपको रेमेडीज़ बताती हूँ वो मेरी खुद की ट्राई की हुई होती हैं और 100% रिजल्ट होता है जब भी मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करती हूँ। जी तो पिंपल को आप ओवरनाइट में एक ही रात में इस रेमेडी से ख़त्म कर सकते हैं। इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपके लिए कितनी यूज़फुल रही। अब नेक्स्ट रेमेडी पर आते हैं, जो कि जिन लड़कियों का फेस जो है वो होता ही एक्नी वाला है और हर वक्त जो है वो परेशान रहती हैं कि अपनी स्किन पे से एक्नी को कैसे ख़त्म करें, तो जी उन्हीं लड़कियों के लिए आज ये दूसरी रेमेडी है, वो भी हमारी एलम की ही है। तो हमने क्या करना है कि एक इस तरह से कोई भी बोल ले लेना है और उसके अंदर जो है हमने दो से तीन चुटकियां जो है इस तरह से एलम ऐड करना है। ये हम बनाने जा रहे हैं टोनर, जो कि आप डेली अपने फेस पे अप्लाई कर सकती हैं। डेली आप एक दफ़ा दिन में एक दफ़ा अप्लाई कर सकती हैं टोनर, जिस तरह से स्प्रे करते हैं उस तरह से। तो जी मैंने पहले इसमें ग्लिसरीन ऐड करी है, अब इसके अंदर मैं अपना होममेड बना हुआ रोज़ वाटर ऐड करूँगी। ये देखें जी, ये मैंने अपना होममेड रोज़ वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस अब आपने इसको
मिक्स कर लेना है। ये देखिए आप ग्लिसरीन की रोज़ वाटर का जो है कलर चेंज हो गया। अगर आप बाज़ार वाला रोज़ वाटर लेते हैं ना वाइट वाला, तो उसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए मेरा जो है, मैंने ये रोज़ वाटर में अपना जो है एलम को जो है मिक्स कर लिया है और ये मेरा जो है टोनर बन गया है। अब आपने क्या करना है, इसको क्या नाम है, अपने एक स्प्रे बॉटल में ऐड कर लेना है, फिल कर लेना है और उसके बाद जो है आपने दिन में एक दफ़ा जो है इसको अपने फेस पर स्प्रे करना है। टोनर जैसे राइस टोनर वगैरह हम अपने फेस पे स्प्रे करते हैं, बस एक दफ़ा आपने पूरे फेस पे इसको स्प्रे कर लेना है और एक वीक के अंदर अंदर आपका एक्नी वाला जो फेस है, पिंपल्स वाला जो फेस है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आएगा आप देखेंगे, और आपके जो एक्नी मार्क्स वगैरह हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे। तो एलम जो है हमारे किस किस काम आई, हमारे पिंपल्स ख़त्म करने के काम भी आई, पिंपल के मार्क ख़त्म करने के काम भी आई। तो हमने एलम को रोज़ वाटर में ऐड किया तो हमारे फेस का जो है एक्नी वगैरह ख़त्म करेगा, और ग्लिसरीन में ऐड करेंगे तो जो ओवरनाइट पिंपल्स जो हमने एक दिन में पिंपल को ख़त्म करना है, जो पीप वाले जो पिंपल हो जाते हैं ना, तो वो वाले पिंपल जो हैं ओवरनाइट एक दिन में एक रात में ख़त्म हो जाएंगे। तो जी उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी छोटी छोटी सी दो रेमेडीज़ पिंपल्स के लिए, एक्नी के फेस के लिए जो अब मैंने ट्राई करी हैं, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर अप्लाई करेंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे। इनके गारंटी रिज़ल्ट हैं, 100% रिज़ल्ट हैं, मेरी ट्राई की हुई रेमेडीज़ हैं, तभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर आप होममेड अपना रोज़ वाटर नहीं लेना चाहते, आप बाज़ार का लेना चाहते हैं जो रोज़ एक्सट्रैक्ट होता है, जिसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है, अगर हम रोज़ वाटर घर में बनाएंगे तो हमारे पास जो है वो यही कलर आएगा। तो अगर आप बाज़ार से लेंगे तो वो जो है ट्रांसपेरेंट होता है, वो रोज़ एक्सट्रैक्ट होता है, वो रोज़ वाटर नहीं होता, प्योर रोज़ वाटर नहीं होता। जो हम घर में बनाते हैं वो प्योर रोज़ वाटर होता है और उसका कलर जो है हमारे पास यही आता है। रोज़ एक्सट्रैक्ट बनाने का भी तरीका मैंने आपको बताया था कि वो जो है स्टीम से बनता है, एवेपोरेशन से बनता है। तो रोज़ वाटर यही होता है, रोज़ वाटर के अंदर आप एलम ऐड करेंगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो आप इसको टोनर एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से ग्लिसरीन में ऐड करके पिंपल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आपने जो है आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे।